तो दोस्तों, जो लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें पहले ही पता चल गया होगा कि हमारी नेक्स्ट वीडियो बटरफ्लाई नाइफ पे आने वाली है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिव्यू एंड रेटिंग में, और आज हम रिव्यू करने वाले हैं बटरफ्लाई नाइफ का। आपने इस नाइफ को पहले मुन्ना भाई MBBS मूवी में सर्किट यानी अरशद वारसी को इस नाइफ का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। तो दोस्तों, उसी मूवी को देखने के बाद मैंने ऑर्डर किया ये बटरफ्लाई नाइफ, और मैंने इसे चलाना कहां से सीखा ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो बात करें इस प्रोडक्ट की, तो मैंने इसे ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, और मुझे इसके लिए पे करना पड़ा 300 रुपीज इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्ज। तो चलिए अब हम अपने प्रोडक्ट को इस पैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, और इस पे लिखा है फील्ड कटिंग टूल स्टेनलेस स्टील, और यहाँ लिखा है K169, ये शायद इसका मॉडल नंबर होगा। तो चलिए ज़्यादा वेट ना करते हुए हम अपने नाइफ को बाहर निकाल लेते हैं इस पैकेट को कट कर। और ये रहा हमारा बटरफ्लाई नाइफ। इसकी लुक काफी अच्छी है और इसमें थोड़ा वेट तो है। ये नाइफ फुल्ली मेटालिक है और इसकी फिनिशिंग काफी अच्छी है, और ये शायद इसे लॉक करने के लिए है। हो सकता है इसका कोई और भी इस्तेमाल हो जो हमें आगे पता चले। तो देखिए, ऐसे दिखती है ये बटरफ्लाई जब ये अपने पंखों को खोलती है, और इसकी ये ब्लेड बहुत ही ज्यादा शार्प और नुकीली है, एटलीस्ट जितना सोचा था उससे ज्यादा। तो आप इसके ब्लेड को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें। किसी भी स्टंट को ट्राई या प्रैक्टिस करते समय इसके ब्लेड से कैसे बचना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इस नाइफ के हैंडल बहुत ही इजिली और फ्री होकर मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, और हैंडल और ब्लेड कनेक्टेड है एक बोल्ट के थ्रू, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके हैंडल को ओपन करने के बाद आप चाहें तो इसे कुछ इस तरह से लॉक कर सकते हैं, और इसके हैंडल्स के बीच में ये छोटे छोटे से होल्स हैं। तो दोस्तों, ये है बटरफ्लाई नाइफ, और इससे अगर स्टंट ट्राई नहीं किया तो इसे खरीदने का क्या फायदा। पर इस पे ऐसे स्टंट ट्राई करना या प्रैक्टिस करना सेफ नहीं है। तो चलिए इसे हम रेडी करते हैं कुछ इस तरीके से, जिससे हम इसे यूज कर सके सर्किट भाई के स्टाइल में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने इसके ब्लेड पर कुछ इस तरह से टेप लगा दिया है, और इस नाइफ के शार्प हिस्से को पूरी तरह से टेप से कवर कर दिया है, जिससे अगर ये कभी मेरे स्किन पर गलती से लग भी जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर इस नाइफ में जहाँ जहाँ पे भी स्क्रू है वहाँ वहाँ मैंने ग्लू का इस्तेमाल कर सभी स्क्रू को लॉक कर दिया है, ताकि आगे जाकर ये कभी लूज ना हो। अब मैं आपको बताता हूँ ये स्किल्स मैंने कहाँ से सीखा। तो दोस्तों, ये सारे स्किल्स मैंने सीखा है toyskills.com से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही डिफरेंट और यूनिक वीडियोस लाते रहें। इसके लिए आप लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रिव्यू एंड रेटिंग को।